हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज है 1 दिसंबर 2017 और हम हिंदू के 82 ईयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए एक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये जो कॉर्नर का आर्टिकल है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो नीचे का आर्टिकल है ये आयरलैंड की पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, नॉट इम्पॉर्टेंट, डिस्कस नहीं किया जाएगा। सेंटर का आर्टिकल रोहिंग्या इशू से रिलेटेड है। पूरे आर्टिकल में ऐसे कोई नए पॉइंट्स नहीं है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं। वही डायमेंशन डिस्कस किए गए हैं कि इंडिया को इनिशिएटिव लेना चाहिए रोहिंग्या के मुद्दे पर, आगे बढ़कर इस समस्या के समाधान की बात करनी चाहिए। अगर इंडिया एक रीजनल पावर बनने का प्रयास करता है, अगर वो एक अपने आप को स्ट्रेंथफुल डेमोक्रेसी प्रूव करना चाहता है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस आर्टिकल को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ये नीचे का जो आर्टिकल है ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। कई तरीके के जो जानवर हैं वो आज काफ़ी एक्सटिंक्शन की कंडीशन में है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस आर्टिकल के जरिए। नेक्स्ट पेज पर आज फ्राइडे है, लेफ्ट राइट सेंटर व्यू या यस नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड व्यू डिस्कस किया गया है। जो मुद्दा चुना गया है वो है कि क्या पद्मावती को रिलीज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, जो कि एक मूवी है, हाल में काफ़ी हाईलाइटेड है। अब देखिए, ये मूवी रिलीज होगी या नहीं होगी ये तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यूपीएससी का स्टूडेंट होने के नाते कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। कि पॉइंट नंबर वन, अगर किसी भी मूवी की रिलीज को रोका जाता है तो ये राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन लीजिए, लीगल डायमेंशन लीजिए और फिर ही कोई बात करिए। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात कर रहे हो तो पहले आपको अपने स्टैंड को जस्टिफाई करना चाहिए, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट या ओपिनियन देना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन जो आपका होता है वो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर होता है, एथिकल बेसिस पर होता है, लॉजिकल होता है, प्रैग्मेटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर बैन लगाया जाता है किसी भी मूवी की रिलीज पर तो ये राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। दूसरी बात कि मूवीज़ हमेशा सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं होती हैं, हमें इसे इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि हिस्ट्री को हमेशा सही रिप्रेजेंट किया जाएगा। मूवीज़ में कई तरीके का फ्रिक्शन दिखाया जाता है। जो सेकंड व्यू, वैसे तो तीन के तीनों व्यू में यही पॉइंट आउट किया गया है कि मूवी को रिलीज करना चाहिए, नो जैसा कोई व्यू यहाँ पर है नहीं। सेंटर में जो व्यू डिस्कस करते हैं ये कहते हैं कि हिस्ट्री मूवीज़ के द्वारा शो की जाए ये ज़रूरी नहीं है, और इसके लिए अगर वायलेंस फैलाया जाता है तो इसे भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगर आप कोई भी एंसर्स लिख रहे हैं इससे रिलेटेड तो आपको श्याम बेनेगल कमेटी का नाम ज़रूर मेंशन करना चाहिए। श्याम बेनेगल कमेटी ने साफ कर दिया था कि जो सेंसर बोर्ड है उसके पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो मूवीज़ को बैन करें या फिर उसको सेंसर करें। उनके पास केवल इतना अधिकार होगा कि वो उसे सर्टिफाई कर दें कि किस कैटेगरी के व्यूवर्स होंगे जो उस मूवी को देख सकते हैं, बाकी वो मूवी अच्छी है या नहीं है, उसे देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, ये व्यूवर्स डिसाइड करेंगे। वो अपने आप में इतना कैपेबल हैं कि अगर मूवी में कुछ भी ऐसा है जो सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ है तो वो उसे खुद पनिश कर सकते हैं बाय गिविंग अ बिग फ्लॉप। तो इसका डिसीजन सेंसर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉवेल को बैन करने के मुद्दे पर कहा था कि हाई कोर्ट जब भी ऐसे मुद्दों को बैन करने वाले हों, कोई नॉवेल हो, बुक हो, तो ये देखिए ये किसी भी इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को शो करते हैं। तो ऐसे मुद्दों को या ऐसी बुक्स या नॉवेल्स को बैन करने से पहले हाई कोर्ट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर्ट कर रहे हों या फिर उसको काफ़ी विरोध में लाया जा रहा हो, स्टिल जब भी उनको बैन किया जाए तो काफ़ी सावधानी से किया जाना चाहिए और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करना चाहिए। पद्मावती की मूवी को बैन करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेप आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड इस बारे में काम कर रहा है तो उनका कोई से नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अब भी आप सेंसर बोर्ड से रिलेटेड कोई आंसर लिख रहे हो तो इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी ये जो व्यूज़ यहाँ डिस्कस किए गए हैं इसमें तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट्स वाई मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्राइडे को एक एक्ट या फिर बिल यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ बातें हैं। आज का जो बिल है वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन इंटर कंट्री रिमूवल एंड रिटेंशन बिल 2016, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी होगी वो कंटिन्यू रहेगी और हमारा इंटरव्यू का सेशन भी जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन। यू कैन अप्रोच अस फॉर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें आप एक कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करते हैं। बाकी आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी करवाई जाती है आपको। क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए आपको आंसर्स रूम से लिखने होते हैं, जबकि स्पीड मैनेजमेंट के लिए आप अपने कोच के सामने बैठकर आंसर्स को ऑन स्क्रीन टाइमर के साथ लिखते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टाइम मैनेजमेंट डायरी का सहारा लिया जाता है, जिसके जरिए आपकी तैयारी करवाई जाती है और उसे इंस्पेक्ट किया जाता है कोच के द्वारा डेली बेसिस पे। आपके इस प्रोग्राम में प्रिलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको किसी फर्दर टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ओरल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंस्टेंट टेस्ट। अगर कोई फ्रेशर्स हैं वो ऑफलाइन प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन प्रोग्राम में बाकी सारी चीज़ों के साथ ये पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम इंक्लूड होता है, उसमें मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है, क्लासेस होती हैं, तो वो तो एडिशनल बातें हैं, फ्रेशर्स के लिए वो बातें हैं, ठीक है। तो ये है कोर्स डायरी जिस पर आपकी तैयारी आपके कोच के द्वारा करवाई जाती है, और ये है
टाइम मैनेजमेंट डायरी। देखिए, एक सवाल मेरे पास लगातार आता है कि क्या स्टूडेंट्स अभी अगर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में आते हैं तो 2018 के लिए तैयारी की जा सकती है। देखिए, तैयारी 2018 के लिए अभी भी की जा सकती है, शर्त इतनी होगी कि क्या आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दूसरी बात, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्योंकि अभी समय कम है तो आपको काम बहुत ज़्यादा करना होगा। अगर थोड़ा बहुत काम आपने पहले से किया हुआ है, थोड़ा बहुत बेस आपके पास है और आप अभी हार्डवर्क करने की कंडीशन में हैं, आप 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे का समय दे सकते हैं इन जनरल, तो फिर अभी भी काम बन सकता है, आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आप 2018 को टारगेट करना चाहते हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन है। फर्दर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए। इफ़ यू कैन अफोर्ड यू मस्ट ज्वाइन दैट प्रोग्राम, इफ़ यू कैन नॉट थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, अवेयर रहिए, तैयारी की जा सकती है। ऐसे राइटिंग के लिए बात करते हैं, टिम नॉटके का ये एक स्टेटमेंट है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट्स डजंट वर्क हार्ड। देखिए, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से इसका इस्तेमाल निबंध या फिर एंसर्स में कर सकते हैं, लेकिन ये जो कोटेशन आज मैंने रखा है ये आपके लिए रखा है। देखिए, टिम नॉटके एक फुटबॉल टीम के कोच थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हार्ड वर्क काम करता है, वो टैलेंट को बीट कर सकता है, लेकिन तभी जबकि कोई भी जो व्यक्ति है वो टैलेंटेड है, वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग टैलेंटेड हैं, अभी जो जरूरत है वो हार्ड वर्क करने की है। अगर आप अपने टैलेंट के साथ हार्ड वर्क करते हैं तो ये यूपीएससी बहुत मुश्किल नहीं होगा, आप क्रैक कर सकते हैं। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, स्ट्रेटजी है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। एक फैक्ट है जो कि इस कोटेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसका कोटेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, फॉरेस्ट कवर की हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड ये फैक्ट है कि अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया के रेफरेंस में स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मिजोरम में है, दैट इज 88.93%। मतलब उस स्टेट का जितना एरिया है उसका 88.93% जो एरिया है वो फॉरेस्ट है। इसके बाद फिर हम लक्षद्वीप को देख सकते हैं जहां 84.56% है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल निबंध में भी किया जा सकता है और एंसर्स में भी किया जा सकता है। अच्छा फैक्ट है, आप इसका इस्तेमाल करिए। आइए अपना पहला आर्टिकल देखते हैं, डीलिंग विद डेटा, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग। यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको जोड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे इसको जोड़ दिया है। देखिए, अब हमें आवश्यकता है कि इंडिविजुअल्स के डेटा की सिक्योरिटी के लिए एक अच्छे से लॉ की जरूरत महसूस की जा रही है एट प्रेजेंट। तो इसके लिए चाहिए कि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो बढ़े और लोग इसकी डिमांड करें, तभी एक अच्छा लॉ बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए, अभी ये जो समय है ये एक इंफॉर्मेशन एज है, जहां पर इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही हैं और इसके साथ जो डेटा लोगों का है उसका एक बेनिफिशियल यूज किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे डेटा का एक्सपेंशन हो रहा है वैसे वैसे उसके रेगुलेशन पर भी क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का डेटा किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कितनी होगी या फिर किसकी होगी, ये क्वेश्चंस लगातार हमारे सामने उठते रहते हैं और ये डिबेट का मुद्दा काफी लंबे समय से बना हुआ है। कुछ अनऑथोराइज लीक्स हो जाती हैं, हैकिंग के केसेस आते हैं। अभी गूगल के ऊपर आज की न्यूज है, बहुत हैवी अमाउंट में जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ डेटा को कॉम्प्रोमाइज किया है। साइबर क्राइम्स के जरिए भी लोगों के डेटा को चुरा लिया जाता है और इस लिहाज से जो लोगों की प्राइवेसी है वो काफी वल्नरेबल बनी हुई है। इंडिविजुअल्स की ऑटोनॉमी बहुत ही डिबेट का मुद्दा काफी लंबे समय से रहा है और एक प्रॉपर लॉ ही उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। देखिए, इन्हीं सारी चीजों को दूर करने के लिए, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, दैट वॉज BN श्री कृष्णा कमेटी। उन्होंने एक व्हाइट पेपर पब्लिक किया है जिसमें उन्होंने एक कंप्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि एक आवश्यकता है बहुत ही कंप्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ की, जो कि लोगों की जो इंडिविजुअल प्राइवेसी है उसको सिक्योर कर सके। आज ये जो समय है वो बिग डेटा एनालिसिस का है। बिग डेटा आप लोग जानते हैं, आपके ट्रेवल का डेटा या फिर आप जो अदर इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी सर्वे के लिए या फिर गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है कई तरीके से, तो उसे हम बिग डेटा कहते हैं। तो उसका एनालिसिस किया जा रहा है। बिग डेटा एनालिसिस के दौर में जो लोगों का पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा है वो और भी बढ़ गया है। यहां पर कहा जाता है कि ये डिस्टोपियन वर्ल्ड है, मतलब मनहूस दुनिया है जो आपके डेटा का मिसयूज कर सकती है। अच्छी लाइन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर आपकी जो लिबर्टी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। अब यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि हमें यूरोपियन यूनियन का जो डेटा का लॉ है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2016 जो यूरोपियन यूनियन ने पास किया है, उसके लिहाज से हम एक अपना डेटा रेगुलेशन बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अमेरिकन मॉडल को इस्तेमाल करना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन को लिए। हम कोई भी मॉडल इस्तेमाल करें, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव डेटा का प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रोविजंस जो इस बिल में किए जाएंगे, अभी एक बिल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें कुछ काम होने चाहिए। वैसे देखिए, इंडिया में अभी ऐसा कोई
लॉ है नहीं जो डेटा को प्रोटेक्ट करता हो। सेक्शन 43A है हमारे आईटी एक्ट का, जो थोड़े बहुत लीगल प्रोटेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। 2012 में जस्टिस एपी शाह कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति का डेटा इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, मतलब उस व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दी हो कि आप उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी डाटा का यूज़ किया जाए तो वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास डेटा है वो उस डेटा के प्रोटेक्शन के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, अगर उस डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो गाइडलाइंस एपी शाह कमेटी के द्वारा दी गई थी ये OECD के गाइडलाइंस पर बेस्ड थी, जहां पर ये कहा गया था कि हमें चाहिए कि जो सिटीजन्स का डेटा है उसका जो कलेक्शन हो वो लिमिटेड हो और उसका यूज़ काफ़ी सिंसियरली किया जाए, सिक्योरिटी के बेसिस पे किया जाए। देखिए काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच बताया गया था एपी शाह कमेटी के द्वारा, इसमें अकाउंटेबल बनाने का प्रयास किया गया था दोनों बॉडीज़ को, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हों या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ हों। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंशियल ऑब्लिगेशन की भी आवश्यकता है, और इसके लिए कि मतलब जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो कितना डेटा का यूज़ कर सकती हैं, गवर्नमेंट कितना डेटा का यूज़ कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को कई बार डेटा का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या फिर और कई गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए डेटा का उसको यूज़ करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का कितना एम्बिट होगा, प्राइवेट एंटिटीज़ का कितना एम्बिट होगा, इसे डिसाइड करना होगा, और इसके लिए हमें एक प्रॉपर लॉ की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि देखिए पर्सनल डेटा को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कलेक्ट करना है इलीगल तो नहीं है, ये लेजिटिमेट कहा जा सकता है, सही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और उसका जो इस्तेमाल हो वो फेयर होना चाहिए। दूसरी बात कि हमें एक लॉ चाहिए या फिर एक स्टैचुरी अथॉरिटी चाहिए जो कि प्रॉमिस करे कि जो डेटा सिटीजन्स का कलेक्ट किया गया है वो सिक्योर है और उसका फेयर यूज़ किया जा रहा है। तो ये तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, द डॉन ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज ओपन्ड अप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द बेनिफिशियल यूज ऑफ डेटा, व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट द कलेक्शन एंड यूज ऑफ इंडिविजुअल डेटा बाय वेरियस एंटिटीज इन इंडिया, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड सिक्योर इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। डिस्कस करिए 250 शब्दों में कि ये जो इन्फॉर्मेशन एज है यहाँ पर डेटा का इस्तेमाल बढ़ गया है तो इसके लिए क्या कंसर्न्स है और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं अकाउंटेबिलिटी और प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए। तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं 250 शब्दों में। अगला आर्टिकल, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, पेपर थ्री से टॉपिक को जोड़ा जा सकता है कंजर्वेशन वाले सेक्शन से। कंटेक्स्ट यही है कि आज हम कुछ ऐसे जानवरों को, कुछ ऐसे एनिमल्स को ज्यादा प्राइमेसी दे देते हैं जबकि कुछ इग्नोर हो जाते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम जब भी थ्रेट की बात कर रहे हों या किसी भी एनिमल की बात कर रहे हों तो हमें थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखना चाहिए और उसके आधार पर हमें बात करनी चाहिए। देखिए इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जब कोई एक टाइगर किसी नेशनल पार्क में मरता है तो वो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस होती है, ब्यूरोक्रेट्स और एनिमल्स लवर्स अपनी आवाज़ उठाते हैं कि टाइगर कैसे मर गया, उसके कंजर्वेशन की बात करनी चाहिए। सिमिलर कंसर्न दिखाया जाता है कुछ बड़े जानवरों के लिए, अगर वो मर जाते हैं या फिर उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जैसे लार्ज मैमल्स लाइक एलिफेंट्स, राइनोस, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, क्योंकि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, दैट्स वाई इन पर ज़्यादा कंसर्न दिखाए जाते हैं। जबकि कुछ स्मॉलर स्पीसीज होती हैं वो मर जाएं या फिर वो एक्सटिंक्शन के नज़दीक पहुंच जाएं, वो थ्रेटन्ड हों, फिर भी ना तो उनको कोई मीडिया कवरेज दिया जाता है ना ही उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके हैबिटेट के लिए आवाज़ उठाई जाती है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाउस स्पैरो, शाई इंडियन पेंगोलिन, कैरासेल, स्लेंडर लॉरिस, स्टार टॉर्टोइस। इनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इनका जो हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है, लेकिन इनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन 2012 इसने 15 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है जिनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। देखिए इसमें दो नामों को इंक्लूड किया गया है जिससे आप लोग काफ़ी परिचित हैं, कश्मीर में जो हंगुल पाया जाता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बारासिंगा। बाकी इसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैम प्रिलिम्स जो प्रिलिम्स का आपका वीडियो आता है जिसमें आपको प्रिलिम्स के लिए तैयारी करवाई जाती है उसमें इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये है पेंगोलिन जो कि इंडिया भर में पाया जा सकता है, लेकिन इस समय काफ़ी थ्रेटेंड है ये, इसकी जो सेल्स हैं इसके लिए इसकी पोचिंग की जाती है। ये है स्लेंडर लॉरिस जो कि प्राइमेट की ही एक प्रजाति है, यहाँ पर आप हंगुल को देख सकते हैं, और ये है स्टार टॉर्टोइस, इमेजेस में आप इन जानवरों को देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ कंसर्न्स और भी एनिमल्स के ऊपर हैं जो लगातार समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। आर्टिकल कहता है, क्या हम एक ऐसे एज में जी रहे हैं जिसे हम मेगा स्पीसीज मायोपिया कह सकते हैं, जैसा कि एम रंजीत सिन्हा ने कहा था जो कि बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ
एक लीडर आप कह सकते हैं लीड करते हैं वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज को, हम दूरदृष्टि नहीं रख पा रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर। आज कोई भी इस व्यू से बाहर नहीं निकल पा रहा है कि हमें टाइगर के कंजर्वेशन के अलावा और भी ऐसे जानवर हैं जिनके कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा देखिए, यह सच है कि स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारा काम किया गया। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के रीजन में आज इनकी प्रेजेंस बढ़ी है। यह है स्नो लेपर्ड, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन क्या आज आवश्यकता नहीं है कि उनके प्रे बेस को बढ़ाया जाए और जो उनका ग्लैमर पहले उस रीजन में हुआ करता था उसे भी इंश्योर किया जाए। इसके अलावा हम बात करते हैं हॉक डियर की। हॉक डियर जो कि काफी अच्छा ब्रीडिंग कैपेसिटी रखते थे, एक समय कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1960 के दौर में ये टाइगर्स के लिए बहुत ही अच्छा फूड का सोर्स हुआ करते थे। आज इनकी संख्या 20 से भी कम बची है कॉर्बेट में, लेकिन इस पर कोई भी कंसर्न नहीं दिखाता। तो ये भी एक गलत तरीका है हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को ट्रीट करने का। हॉक डियर को आप यहाँ इमेजेस में देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है बर्ड की जो इंडेंजर्ड है एट प्रेजेंट, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है और ये एंडेमिक है जैसलमेर और पोखरण वाले रीजन की, जहां पर हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। एंडेमिक होने का मतलब है कि वो स्पीसीज वहीं पाई जाती है और किसी और हैबिटेट में वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती। उसका जो हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वो 1974 और 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए उससे बहुत हाई नंबर में डैमेज हो गया और आज उनकी संख्या 60 से भी कम रह गई है। एक और कंसर्निंग बात है कि पूरी दुनिया में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं उनकी संख्या 80 से भी कम है। तो क्या हमें इनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, इनके कंजर्वेशन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? इसके अलावा ये है, देखिए ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब हम बात कर रहे हैं माउस डियर की। माउस डियर जो कि एक मिनिएचर प्राणी है। इसके अलावा ये जो है ये साउथ इंडिया और मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल का जो साल ट्री का फॉरेस्ट होता है ये वहां पर पाए जाते हैं। इनका शिकार किया जाता है इनके मीट के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि इनका मीट डिलीशियस होता है। ये देखिए यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं माउस डियर को। देखिए वैसे तो ये जो पेड़ वगैरह साल के गिर जाते हैं उसके हॉलो में रहते हैं, लेकिन ये जो साल के पेड़ हैं या साल के जंगल हैं आज उन्हीं का डिस्ट्रक्शन काफी हाई नंबर में हो रहा है। उनके पेड़ों को काटा जा रहा है फ्यूल वुड के तौर पे, तो इनका जो हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है। तो ये भी काफी थ्रेट इस समय फेस कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई माउस डियर की। देखिए इसके अलावा कैरकल, वो भी डिसअपियर हो रहे हैं, जो कि एक बिल्ली की प्रजाति है, वाइल्ड कैट की प्रजाति है। ये कूनो सेंचुरी मध्य प्रदेश में पाई जाती थी, हालांकि अब ये वहां से लगभग डिसअपियर हो चुके हैं। रणथंबोर और राजस्थान वाले एरिया में थोड़ी बहुत ये पाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी एकदम थ्रेट की कंडीशन में है। मालाबार साइविट जो कि एक बिल्ली की प्रजाति है, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। यहाँ इमेज में आप मालाबार साइविट को भी देख सकते हैं। तो ये तो देखिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। आखिर इनका जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है, इस बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है? या तो उनका ट्रेड किया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। पेंगोलिन की बात कर रहे हैं जो कि एक समय में पूरे भारत में पाए जाते थे, आज हाई स्केल पर उनकी सेल्स के लिए उनका शिकार किया जा रहा है। उनकी सेल्स की डिमांड चाइना में भी है कई बार, तो उसका चूंकि मेडिसिनल वैल्यू काफी ज्यादा है ऐसा माना जाता है, कई बार तो उनकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है, गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव वो होते हैं। दैट्स व्हाई इनका शिकार किया जा रहा है। इलीगल ट्रेड हो रहा है कंट्रीज के बीच में, ऐसे एरिया जहां पर डियर, ऑटर, मैंगूज या फिर अदर एनिमल्स पाए जाते हैं वहां पर काफी शिकार किया जा रहा है। स्लेंडर लॉरिस की अगर बात करें, मैंने आपको इमेज में उसको दिखाया था, ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। टॉर्टोइस की बात करें तो इसका भी काफी शिकार किया जा रहा है। हंगुल जो कि एक डियर की स्पीसीज है, ये कश्मीर में डाचीगाम नेशनल पार्क में पाई जाती है, उनकी भी संख्या महज 200 से कम ही रह गई है। मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है, इसे ब्राउन एंटल डियर या फिर संघाई डियर के नाम से जाना जाता है। ये लोकटक लेक वाले एरिया में जो फ्लोटिंग मोरास पाए जाते हैं, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जिसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है, उस एरिया में ये पाए जाते हैं। वो भी अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी भी संख्या महज 200 ही रह गई है। हालांकि मणिपुर के द्वारा संघाई फेस्टिवल के जरिए या फिर संघाई टूर सर्विसेज के जरिए इनको कंजर्व करने का प्रयास किया जा रहा है। और भी कई सारे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्शन की वर्ज पर आ चुके हैं। तो ये तो आर्टिकल हुआ। कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि हमें चाहिए कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं हम उनके एक्सटिंक्शन को रोकने का प्रयास करें। ये बहुत समय आ चुका है कि हम प्रायोरिटी उन एनिमल्स को भी दें। जो हम प्रायोरिटी एनिमल्स को दे रहे हैं वो उनके थ्रेट परसेप्शन पर होना चाहिए कि उनको कितना थ्रेट है, उस हिसाब से उनको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। देखिए हमारे पास आज एक्सपर्टीज है कि हम उन एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, हमें आवश्यकता है पॉलिटिकल विल की। और हमें अगर हम इस समय एक्ट नहीं करते हैं तो
तो हम बिल्कुल उसी तरह बाकी अन्य जानवरों को भी खो देंगे जैसे कि हमने डोडो को खो दिया। डोडो देखिए मॉरिशस में पाया जाता था, मॉरिशस मेडागास्कर के नज़दीक में है ये डोडो प्रजाति। आज हम इसे नहीं देख सकते और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे नहीं देख पाएंगी। तो हमें चाहिए कि हम कंजर्वेशन को अच्छी तरीके से रेगुलेट करें ताकि डोडो जैसे हम और जानवरों को ना खो दें। ठीक है, तो ये तो कंक्लूजन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, मेनी स्मॉल एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, इट इज टाइम टू गिव प्रायोरिटी टू एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर थ्रेट परसेप्शन। कमेंट करिए 150 शब्दों में। ये स्टेटमेंट आपके आर्टिकल में था, उसी से मैंने क्वेश्चन बना दिया है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती भी है। ठीक है, अब देखिए अगला जो आर्टिकल है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एबडक्शन। पेपर थ्री से टॉपिक को जोड़िए बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग से, या फिर जो एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं जिससे इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। देखिए चिल्ड्रन काफी सफर करते हैं अगर पेरेंट्स के बीच में कोई दरार आ जाए तो। कैसे, आखिर ये एबडक्शन के केस कैसे आते हैं? देखिए 3 करोड़ से ज्यादा जो इंडियन हैं वो दूसरे देशों में रह रहे हैं जहां पर उन्होंने शादियां भी की हैं, मैरिजेस की हैं। अगर उनकी फैमिली यूनिट ब्रेक होती है तो सबसे ज्यादा सफरिंग होती है वो चिल्ड्रन को होती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लीगल बैटल में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? देखिए होता यह है कि दो लोगों ने अगर मैरिज की है तो उसमें अगर मान लीजिए दोनों पेरेंट्स के बीच में विवाद हो गया और दोनों अलग अलग देशों से संबंध रखते हैं, तो कोई एक पेरेंट जो है वो बच्चे को लेकर एक दूसरे देश में आ जाता है। सपोज करिए कि कोई इंडियन मदर है जिसकी जो शादी हुई है वो किसी कैनेडियन मेल से हुई है, बाद में दोनों में विवाद होता है और वो जो इंडियन मदर है वो अपने बच्चे को लेकर इंडिया आ जाती हैं। अब लीगल बैटल शुरू हो जाता है क्योंकि वो जो फादर हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा कनाडा में आ जाए। अब देखिए वो बच्चा जो है वो कनाडा में ही बड़ा हुआ है, वह वहां के एटमॉस्फेयर से परिचित है, इंडिया उसके लिए नया है। अब इस कंडीशन में काफी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन हो जाती है कि आखिर वो बच्चा किसके पास होगा, माता के पास होगा या फिर पिता के पास होगा। वैसे एक हेग कन्वेंशन साइन किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे चाइल्ड एबडक्शन की समस्या का समाधान करने के लिए 1980 में, लेकिन इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। अगर इंडिया इस कन्वेंशन को साइन करता तो फिर लीगल प्रोसीडिंग्स को इंटरनेशनल लेवल पे एक रेगुलेट किया जा सकता है कि इंडिया ऐसे पेरेंट्स को फोर्स करे कि वो उन बच्चों को जो उनका रियल हैबिटेट है वहां वापस कर दें। लेकिन इंडिया इस कन्वेंशन को साइन नहीं कर पाया है या नहीं किया है हमने। इस लिहाज से आज कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इंडिया में हैं और लीगल स्ट्रगल अभी भी चल रहा है। लॉ कमीशन ने जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी हैं, एक अपनी रिकमेंडेशन दी थी, एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो चाइल्ड रिमूवल की सिचुएशन है ये काफी अनफॉर्चुनेट आउटकम होती है जब फैमिली ब्रेकअप होता है, तो इसमें बच्चे को एबडक्ट कर लिया जाता है किसी एक पेरेंट के द्वारा, चाहे मदर के द्वारा या फिर फादर के द्वारा। और देखिए इसके लिए एक अभी बिल पेश किया जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इंटर कंट्री रिमूवल एंड रिटेंशन बिल 2016। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया ने हेग कन्वेंशन को साइन नहीं किया है 1980 में जो साइन किया गया था, तो इसके लिहाज से काफी प्रेशर बनाया जा रहा था इंडिया के लिए कि एक डोमेस्टिक लॉ होना चाहिए जो ऐसे मुद्दों को डील करे, तो उसी के लिए एक बिल यहां पर पेश किया जा रहा है। बिल में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि डिफाइन करता है कि रॉन्गफुल रिमूवल या फिर रिटेंशन है क्या। इसमें यह भी बताया गया है कि कमीशन इस बात को भी प्रपोज करता है कि अगर रॉन्गफुली किसी बच्चे को इंडिया में लाया गया है और उसकी उम्र 16 साल से कम है तो उस मुद्दे को बहुत ही सिंसियरली डील किया जाएगा। इसके अलावा बिल ने यह भी रिकमेंड किया है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको इस बात का अधिकार हो कि वो पता करे कि आखिर जो बच्चा है उसे कहाँ रहना चाहिए और कहाँ रहना उचित होगा। देखिए अथॉरिटी के पास कुछ फर्दर पावर्स भी होंगी, जैसे कि बच्चे को नुकसान न पहुंचने पाए, वॉलंटरी रिटर्न हो जाए उस बच्चे का, साथ ही जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे से रिलेटेड उसका अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास ट्रांजेक्शन होता रहे, और इसके अलावा जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं हाई कोर्ट में उसमें भी जो बच्चे की सिक्योर रिटर्न है उसको इंश्योर किया जाए, फ्री लीगल एड एंड एडवाइस भी प्रोवाइड करवाया जाए, तो ये अधिकार भी इस अथॉरिटी के पास होंगे। दैट इज ऑल अबाउट द बिल विच वॉज टूडे इन द फ्राइडे न्यूज़पेपर। अब देखिए आज की केस स्टडी देख लेते हैं। आज की केस स्टडी के दो कैरेक्टर्स हैं सुमति और राजन। देखिए सुमति और राजन जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन दोनों ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक किया है और अभी वो IAS ऑफिसर हैं प्रोबेशनरी पीरियड पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में। ठीक है, अब देखिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और उसके बाद शादी कर ली। दोनों को SDM की पोस्ट 2 सब डिविजन्स में मिल गई सेम डिस्ट्रिक्ट में। दोनों एक साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं। राजन जो है वो एक ऐसे एरिया में काम कर रहा है जो कि काफी मिनरल रिच रिसोर्स वहां पर अवेलेबल हैं। वहां माइनिंग काफी तेजी से होती है, वहां पर कई सारे रिच लोग भी रहते हैं। सुमति को इस बात की जानकारी मिलती है कि राजन जो है वो कई सारे बड़े शक्तिशाली उद्योगपतियों के द्वारा टेम्प्ट किया जा रहा है ब्राइबरी के लिए, कि वो उसको घूस देकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं, और इसके लिहाज से वो चाहते हैं कि कुछ लैंड रिलेटेड इश्यूज को
वो उनके फेवर में मोल्ड कर दें या रेगुलेट कर दें। अब देखिए वो ये भी ऑब्जर्व करती हैं कि हाल के दिनों में वो काफ़ी कॉस्टली गिफ्ट्स घर लेकर आ रहे हैं। एक दिन उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उनके हस्बैंड ने यानी कि राजन ने ये कहा कि देखिए वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो जो रिच लोग हैं वो उनके काम से इंप्रेस्ड हैं, वो कोई भी गिफ्ट नहीं लेना चाहते, स्टिल वो लोग ज़बरदस्ती उनको गिफ्ट दे दिया करते हैं। अभी हाल के दिनों में वो उन रिच लोगों द्वारा डिस्ट्रिक्ट में दी जाने वाली पार्टीज़ को भी अटेंड कर रहे हैं। एक दिन फाइनली ये बात पता चलती है सुमती को कि राजन ने ब्राइब ली है कुछ लोगों के द्वारा। उसे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि राजन ने इसके बदले में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है लॉस के साथ और इससे जो स्टेट एक्सचेकर है उसको काफ़ी नुकसान होगा। सुमति एक अच्छी ऑफिसर है, उनका काफ़ी अच्छा नाम है अपने डिपार्टमेंट में। इस सिचुएशन में अगर वो कोई भी ड्रेस्टिक स्टेप लेती हैं तो उनकी जो पर्सनल लाइफ या मैरिज है वो खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि सुमति अगर इस बात को जानती है कि अगर वो कोई भी ड्रेस्टिक स्टेप लेती है तो उसकी मैरिज को नुकसान पहुँच सकता है, तो इस सिचुएशन में सुमति को क्या करना चाहिए? आप बताइए कि सुमति क्या करे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। देखिए बहुत आइडियलिस्टिक आंसर हमें नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। हम तुरंत कंप्लेंट नहीं कर देंगे, हम तुरंत अपने हस्बैंड को सजा दिलवाने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए आपको सुमति को ये रिकमेंड करना चाहिए कि वो थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाए, फैमिली को भी बचाने का प्रयास करे। आप सामान्य रूप से समझिए, जो काम एक युवती करेगी, एक वाइफ करेगी, आप उस लिहाज से जवाब देने का प्रयास करिए। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे है? क्योंकि एक तरफ अगर वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट में जाती हैं और उसके लिहाज से कोई एक्शन लेती हैं तो एक प्राइमरी इंटरेस्ट तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी इंटरेस्ट है यानी उनकी पर्सनल लाइफ, उसको नुकसान पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है। इस कंडीशन में सुमति को मेरे हिसाब से ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अगर आपसे आपके हिसाब से कुछ और स्टेप्स हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुमति को चाहिए कि वो राजन को कन्विंस करने का प्रयास करें कि ये जो वो काम कर रहे हैं ये अनएथिकल है और इलीगल है। कोई भी व्यक्ति जब आईएएस या सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव लोगों की सर्विस करना होता है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट कमाना नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट मॉनेटरी बेनिफिट कमाने में है तो फिर उसे बिजनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले कन्विंस किया जा सकता है। पॉइंट नंबर टू, सुमति को चाहिए कि वो उसे अवेयर करें कि देखिए ये जो करप्शन का नेचर है ये जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा, एक्सपोज कर दिया जाएगा, बिकॉज हाल के दिनों में मीडिया और जुडिशरी काफी एक्टिव है। इसके अलावा उनको पनिश किया जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। ठीक है, आगे जो तीसरा स्टेप है वो ये हो सकता है कि सुमति सजेस्ट कर सकती हैं राजन को कि जो कुछ ब्राइब उन्हें दिया जा रहा है वो उसके लिए मना कर दें, या फिर अगर उन्होंने कुछ लिया है तो वो उसे वापस कर दें, क्योंकि अगर वो बाद में पकड़े जाते हैं तो इससे जो पर्सनल लाइफ है उन दोनों की वो अफेक्ट होगी और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो केवल राजन को नहीं बल्कि सुमति को भी भुगतने पड़ेंगे। इससे उनकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रॉपर्टी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा उनके डिपार्टमेंट में। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है अपने केस स्टडी के आंसर्स में, तभी वो इफेक्टिव हो पाते हैं, लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर एथिकल डिलेमा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब देखिए सुमति और राजन दोनों की लव मैरिज है तो पूरा स्कोप है कि जो राजन है वो सुमति के सजेशन को मान लेगा। चौथा, अगर राजन कंसिक्वेंसेस को नहीं समझ पा रहा है तो सुमति को अप्रोच करना चाहिए अपने पेरेंट्स को और अपने इन लॉज को, अपने सास और ससुर को, कि वो उसे सही रास्ता दिखाएं। इतने स्टेप्स लेने के बाद भी अगर राजन समझने को तैयार नहीं है तब सुमति को चाहिए कि सुमति फाइनल वार्निंग दे या फिर धमकी दे कि अगर वो अपने स्टेप्स पीछे नहीं लेते हैं, करप्शन से पीछे नहीं हटते हैं, तो सुमति उनको एक्सपोज कर देगी, क्योंकि एक्सपोजर तो लेटर और सुनर होने ही वाला है और उनको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, छठवां, अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो फिर ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि जो राजन अगर कोई भी बात मानने से मना कर देता है तो फिर सुमति को चाहिए कि वो अपनी हायर अथॉरिटीज को इसके बारे में इन्फॉर्म करे या फिर वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इसके बारे में जानकारी दे कि करप्शन के कुछ इवेंट्स यहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट होने के नाते उन्होंने ओथ ली थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगी और लोगों का जो इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगी। तो ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। आप पहले ही रिजॉर्ट में अपने हस्बैंड के खिलाफ केस करने के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द केस स्टडी। अगर आपके पास कोई और सजेशन हो तो मुझे बताइएगा। इंटरव्यू सेशन के लिए आपके पास एक सवाल है, आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, एक सिचुएशन बताइए जहां पर आपने डिसऑनेस्टली काम किया, जहां पर आपने बेईमानी से काम किया। इस सवाल का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने डिसऑनेस्टी से कहीं काम किया है तो आप उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताते नहीं फिरेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब आप अपने लिए फॉर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में और पूछे जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप फ्रेम करिए, कमेंट बॉक्स में बताने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में जिस सवाल का जवाब आपको देना है वो ये है कि आपका फेवरेट ऑथर कौन है
और कौन है इससे काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही कॉमन है, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए, हम धीरे धीरे तैयारी को कवर कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त हो रहा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, थोड़ा सा शेयर वगैरह आप लोग कर दिया करिए ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, व्यूअर्स बढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, काम करने में मन लगता है। ठीक है, बाकी तो हम काम कर ही रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन, थैंक्स।